गुस्सा क्यों आता? अगर तू मेरी जिंदगी में नहीं आता तो मेरे पापा मेरे साथ होते, अनीशा भी आज मेरे साथ होती। बचपन से मेरी जिंदगी में जब भी कुछ अच्छा होता तब कहीं से तू आ जाता और सब कुछ मुझसे छीन लेता। मेरे पापा तो मासूम और भोले भाले थे, क्या बिगाड़ा था तेरा? अब हार चुभ रही है ना तुझे? मुझे भी ऐसा ही लगा था। जब अनीशा की मौत हुई थी तब बिल्कुल ऐसा ही दर्द हुआ था। क्या जीत और क्या हार, तुझे अब भी ये कॉम्पिटिशन लग रहा है? हार लग रहा है। अंदर का विलन फड़का तो अपन के अंदर का हीरो धड़का। तो जब भी आता है अपन के सामने कोई विलन, नहीं होता उसका पुनर्जन्म। तू और तेरा हीरो दोनों यही मरेंगे। ये लोग है, सीख डायलॉग कैसे मारते हैं। लगाना पूरा फिल्मी हीरो। डर गया, हीरो के सामने विलन चिल्लाते नहीं। देखिए भाई, हमारे अंदर से विलन बाहर आता है ना, उसी तरह इनके अंदर से हीरो बाहर आता है। सच कह रहा हूँ। तो क्या तू मुझे चुप करवा रहा है? चुप रहिए। ये जो आपका गुस्सा है ना, इसे शांत कर लीजिए। भैया आपको प्यार से समझाएंगे ना। तुमने कहा मैंने धमकी दी है? मैं तो रोज 10-15 को धमकी देता हूँ। अब तुम्हारे पिताजी कौन है मुझे कैसे पता चलेगा भाई? 8 मिनट। हाँ बापू, छोड़ा एक राउंड चाहिए। गयो इंटरवल चल रहा है। क्यों रे? मुझे भी दिखाओ। देखना। अबे तू इसका बेटा है क्या?
इस घर को हड़पने के लिए तेरे परिवार को खत्म कर देंगे। भुदक रहा है। अंदर का विलन भुदक रहा है। बॉडी के स्टोर रूम में वो ज्यादा टिक नहीं पा रहा है, कुल्हाड़ी मार कर बाहर आ रहा है। ए पकड़ रहे। हाँ। ए राधा, हाँ। बहुत दिन से बोल रही थी ना मेरे बेटे ने किसी की पिटाई नहीं की, देख देख देख। मेरा बेटा। अरे सुन, तेरे भैया आज फुल एचडी में मारने वाले, जरा आके देख तो सही। जो टकला है ना उसको मेरी तरफ से भी दो टपली लगा देना, वो भी जोरदार। मैं मुझको डर रहता है, मेरी मां को डर रहता है। ए शूट 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 ऑडियंस सिटी बजाओ। ये क्या कर रही हो माँ जी, अपने बेटे को मत उकसाओ। आपको पता नहीं है कि गुंडों का इंश्योरेंस भी नहीं होता। इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं तो पंगा क्यों लिया? बहुत टेढ़ा आदमी है वो, पहले धुलाई करता है फिर सुखाता भी है। पता नहीं था, मेरा टाइम खराब है। अरे बाप रे, टाइम से याद आया। बेटा तेरे को ऑफिस नहीं जाना है, देर हो जाएगी। अरे धुलाई में बहुत मजा आ रहा था माँ, इसे छोटी सी वार्निंग देकर कल्टी लेता हूँ। जय श्री कृष्ण। बापू ने एक ही बात सिखाई, जब भी लड़ाई झगड़ा हो बिना सोचे समझे दुश्मन को चीर फाड़ दो। इतना डोज काफी है? काफी है। हंसते हुए बोलिए। काफी है। थोड़ा और। काफी है। खूब हालो। माँ को शेंडी लगा कि वार्निंग दूंगा। वैसा अपन का सिर्फ डायलॉग बोलना फैंस को नहीं जमता। मार धार इज मस्ट। फर्स्ट गलती थी तेरी, साइलेंसर लेकर आया। अगर तूने रिपीट टेलीकास्ट किया तो साइलेंसर नहीं तलवार लेकर आऊंगा। अब सो, जहाँ जहाँ साइलेंसर लगा वहां तलवार लगेगी तो क्या होगा? थैंक गॉड मैं तलवार लेकर नहीं आया, वरना गब्बर राज ठाकुर बन जाता। सर क्या हुआ, गेट खुला हुआ था। ए, तू जाके चाबी देख ला, जा जल्दी जा। अरे जाना जल्दी जा। चाचा किसी को भी बाहर मत छोड़ना, सबको क्लासरूम में बंद करना। ए चलो चलो चलो, ये तो मार खाओगे। चलो 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 चलो। हेलो चाचा। हाँ, बोलो मास्टर जी। अपने लड़कों में कोई मिसिंग तो नहीं है ना? नहीं सर, यहाँ पर 63 के 63 पूरे हैं। हमारे लड़कों में से कोई मिस नहीं हुआ, लगता है वो लोग पक्का बाहर से आए थे।
यहाँ से। भांजे! काशी कहाँ है? कहाँ है तेरा भाई काशी? ये क्या गायत्री, बिना बताए शॉपिंग आधी छोड़कर चली आई। चलो चलते। ब्रो, आज ये ऑफ ड्यूटी है, कल ड्यूटी पे होगी तभी पंचायत रखना। हमें कभी कभार ही मिलने का मौका मिलता है।